वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आगे देखेंगे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या चीज है, क्या क्या इकोसिस्टम के अंदर होता है। तो इकोसिस्टम में दो चीज आपको बताई गई थी, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग चीज की आपस में इंटरेक्शन होती है, वो इकोसिस्टम होता है जी। ठीक है, वो भी पूरा सिस्टम जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। तो दो जो चीज होती है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग है, यानी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम किस किस चीज से बना होता है, कौन कौन चीजें होती है, दो चीजें होती है, इसलिए मैं दो कंपोनेंट कर दिए। एक आपको एक एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरे कौन से हो गए, बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कौन से थे, जो नॉन लिविंग थे उनको एबायोटिक नाम रख दिया, और जो लिविंग थे उनको क्या नाम रख दिया हमने, बायोटिक कंपोनेंट नाम रख दिया। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट की डेफिनेशन देखो क्या होती है जी, इट इंक्लूड द फिजिकल इन्वायरमेंट। जो फिजिकल इन्वायरमेंट जो कल आपको बताया गया था, तो जो सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट है, जिन चीजों को आप अपनी फाइव सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हो, वो जो चीजें हैं, लाइक चाहे सोयल हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, ठीक है, अलोंग विद किसके साथ, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होगी उसके अंदर, जैसे आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, फॉस्फोरस होगा, सल्फर होगा, इतने सारे जितने मिनरल्स और हो गए, ये सारी चीजें मिलकर कौन सा कंपोनेंट बनाती है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी कंपोनेंट्स हमने दो करे, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक कौन से होगी थी, जो फिजिकल इन्वायरमेंट जिसके अंदर हो, फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होगा सोयल, एयर, वाटर, किसके साथ हो जी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ हो, तो वो कौन सा कहलाता है आपका, एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी इनको क्या कहा जाता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है जी, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहा जाते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होंगे वो क्या कहलाते हैं आपके, एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा जी। अब आगे चलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, तो इट इंक्लूड लिविंग बींग्स ऑफ और ऑर्गेनिज्म। या तो ये लिविंग बींग्स को इंक्लूड करते हैं, दूसरा नाम लिविंग बींग्स का क्या कह सकते हैं आप, ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो। तो जिसके अंदर लिविंग बींग्स हो या फिर ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहते हैं जी, हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग कंपोनेंट्स, इनको क्या कहा जाता है जी, लिविंग कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। इनको नॉन लिविंग कहा जाता है, इनको क्या कहा जाएगा, लिविंग कंपोनेंट्स कहा जाएगा जी। इट हैव थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, तीन टाइप ऑर्गेनिज्म आते हैं। पहला कौन सा है, पहला है जी प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा कौन सा है, कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म। तीसरे का नाम कौन सा है, डीकंपोजर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम क्या है, ऑटोट्रॉप्स। कंज्यूमर का क्या है, हेटरोट्रॉप्स। और आपका डीकंपोजर का क्या है जी, स्पेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। इस प्रोड्यूसर का दूसरा नाम क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स। कंज्यूमर का दूसरा नाम क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स। और डीकंपोजर का दूसरा नाम क्या होता है जी, स्पेरोट्रॉप्स। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया, फिर भी नहीं समझ आया तो कल वाली वीडियो को, जो पीछे वीडियो करवाई गई थी आपकी, ठीक है जी, पिछली वीडियो में आप जाके उसको अच्छे से चेक कर लें, पर दोबारा उसको समझ लें, अगर कुछ भी चीजें नहीं समझ आ रही तो वहीं से सारी रिलेटेड है, ठीक है। और आगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड ऑब्टेंड बाय ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको फूड जो चाहिए, जो लिविंग बींग्स है उसको तो खाने के लिए कुछ चीज चाहिए, तो जिस हिसाब से वो खाना खाते हैं, फूड ऑब्टेंड करते हैं, दीज हैव थ्री टाइप ऑर्गेनिज्म की। कितनी टाइप बताई थी आपको, तीन। पिछली वीडियो आपने पिछले पार्ट में भी देखा था, बायोटिक कंपोनेंट के भी तीन ही टाइप करी थी। बायोटिक कंपोनेंट में होते तो ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म तीन टाइप के होते थे, कौन कौन से, प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, दूसरा कौन सा था, कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म, और तीसरा कौन सा था, डीकंपोजर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ प्रोड्यूसर के बारे में लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म नाम से पता लग रहा है, जो प्रोड्यूस करते हैं जी, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी फूड को खुद प्रोड्यूस करते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो विच कैन प्रिपेयर, जो प्रिपेयर कर सकते हैं जी फूड, किस क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फूड कर सकते हैं, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जी, किसे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, जैसे क्या हो गया आपका, CO2 हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर हो गया, ठीक है जी। किसका यूज करके, बाय सनलाइट, सनलाइट एनर्जी का, सनलाइट का यूज करते हैं एनर्जी की फॉर्म में, किसके जी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पे होता है जी, सारा काम कहाँ पर होता है, प्लांट में, क्लोरोफिल में, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ कौन सी प्रोसेस से जी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से करते हैं। तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, विच कैन प्रिपेयर फूड, जो प्रिपेयर कर सकते हैं फूड को, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल जैसे CO2, वाटर, किसके द्वारा जी, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी का यूज करके, किसकी प्रेजेंस में जी, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, किसकी हेल्प से जी, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एग्जांपल के आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर ब्लू ग्रीन एलगी है, ये क्या है जी, आपके प्रोड्यूसर है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको और किस नाम से जाना जाता है जी, इनका दूसरा नाम है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा नाम क्या है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, या फिर इनको कहा जाता है सेल्फ फीडर ऑर्गेनिज्म। तो इनके तीन नाम हो गए जी, प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म,
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और सेल्फ फीडर ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। एग्जांपल क्या है इसके, ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। डेफिनेशन आपको अच्छे से करवा दी गई है। तो ये हो गया जी आपका प्रोड्यूसर के बारे में डिटेल से, ठीक है जी। अब हम आगे पढ़ेंगे जी कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म के बारे में। चलो जी आगे देखते हैं जी। देखो हम पढ़ रहे थे अभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तीन टाइप पढ़ी थी आपने पढ़ी, ठीक है जी। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे जी कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। पिछली स्लाइड में आपने प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, तो कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जी, नाम से पता चला था उसमें प्रोड्यूस करते हैं, इसमें कंज्यूम करते हैं जी। क्या करते हैं, कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज की खपत करना है, किसी चीज को खत्म करना, यूज करना उस चीज को। तो विच कंज्यूम फूड, जो क्या करते हैं जी, कंज्यूम करते हैं फूड को, किसके द्वारा प्रीपेयर्ड होता है, तो प्रीपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर। मान लो शुरू में प्रोड्यूसर ने अपना फूड बनाया, ठीक है, उस प्रोड्यूसर को जो फूड बना रहा था उसे तो कह दिया हमने जो बना रहा है वो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर उसी प्रोड्यूसर को अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। उसको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म। विच कंज्यूम फूड प्रीपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर आर कॉल्ड कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म। दे डिपेंड ऑन, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं जी, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर से ही तो ले रहे हैं वो, तो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर। किस चीज के लिए जी, फूड के लिए। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस प्रकार, देखो मान लो फॉर एग्जांपल ये मान के चलो, यहाँ पे देखो जी आप, मान लो एक ग्रास है, घास है, तो घास का क्या होगा जी आपका, ये तो ग्रीन ग्रीन प्लांट्स की तरह काउंट होगा, इसमें तो क्लोरोफिल होगा जी, इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, तो घास अपना फूड अपना खुद बनाएगा, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। मान लो उस ग्रास को खा लिया जी गोट ने, बकरी खा ली उस ग्रास को, तो बकरी क्या हो गई अब, प्राइमरी इसको खा लिया कि नहीं खा लिया इसने, तो बकरी बन गया कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म। बकरी ने क्या कर लिया इसको, गोट ने इसको कंज्यूम कर लिया इसके फूड को। अब मान लो ये तो डिपेंड कर रही है प्रोड्यूसर के ऊपर, डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रही है, तो ये क्या होगी, डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, समझ आ गया, डायरेक्टली ये फूड के लिए इस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। अब मान लो उस गोट को खा गया जी लाइन, लाइन क्या हुआ जी, डिपेंड तो इसी पे कर रहा है, अगर ये ग्रास ना होता ना ये गोट मिलती, गोट नहीं होती तो लाइन क्या खाता, ठीक है। तो डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्ट इसको नहीं खा रहा है, पर इनडायरेक्टली देखो आप, इसने इसको खाया तो फिर किसने इसको खाया, तो लाइन इसके ऊपर क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल रहा है। तो क्या करते हैं, है तो डिपेंड तो ये ग्रास पे भी है लाइन भी, क्योंकि ग्रास नहीं होता तो गोट नहीं होती, गोट नहीं होती तो लाइन खाता कैसे जी, ठीक है। यही मतलब हुआ कि दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं जी, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस चीज के लिए, फूड के लिए, डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया जी, इसमें और क्या एग्जाम्पल है जी आपके कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स के, मैन भी एक कंज्यूमर है जी, गोट हो गया, डियर हो गया, फिश हो गया, लाइन, टाइगर, सारे के सारे कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, इनका दूसरा नाम क्या है जी, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता है, हेटरोट्रॉप्स में। फिर इनके तीन और क्लास पार्ट में डिवाइड कर दिया, हेटरोट्रॉप्स को क्या कर दिया हमने, तीन और पार्ट में डिवाइड कर दिया, कौन कौन से, हर्बीवर्स, दूसरा कौन सा है, कार्निवर्स, तीसरा कौन सा है, ओमनिवर्स। तो हर्बीवर्स कौन सा, पहले हमने ये जो चारों लाइनें लिखी है ये हर्बीवर्स के बारे में जी, ठीक है। हर्बीवर्स क्या है जी, विच ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, जो या तो प्लांट खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं। डायरेक्ट प्लांट भी खा सकते हैं, जैसे बकरी सीधा पेड़ खा सकती है वो, हम सीधा पेड़ नहीं खा सकते, हम प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं जी, ठीक है, जैसे वीट हो गया, फ्रूट हो गया, कुछ भी हो गया। तो विच ईट प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट, जो प्लांट खाए या प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, हर्बीवर्स कहा जाता है जी, ठीक है। अब डायरेक्ट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, तो दीज ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर, ये क्या करते हैं जी, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं। दीज आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले ये कंज्यूम कर रहे हैं, इनको क्या नाम दे दिया, प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे यहाँ पे गोट क्या बन जाएगी आपकी, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है जी, गोट है, काउ है, बुफेलो है, सिप है, हॉर्स है, डियर, मंकी, रैबिट, एलिफेंट एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवर्स। अब आगे देखो जी कार्निवर्स के बारे में, यहाँ लिखा हमने कार्निवर्स के बारे में, कार्निवर्स क्या होते हैं जी, विच ईट अदर एनिमल्स, जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कार्निवर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है जी, लाइन दूसरे को खाता है, टाइगर भी खाता है, स्नेक भी खा लेता है, ईगल भी खा लेता है, फ्रॉग भी खा लेता है, लिजर्ड भी खा लेता है, वोल्फ भी खा लेता है जी। दीज आर ऑफ टू टाइप, इसके कितने टाइप होते हैं, दो टाइप, कौन कौन से है जी, इसके फिर हमने दो टाइप कर दिए। देखो कंज्यूमर के हमने तीन टाइप करे थे, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स। कार्निवर्स का हमने फिर और दो टाइप कर दिए, कौन कौन से, एक तो स्मॉल कार्निवर्स है और एक लार्ज कार्निवर्स है जी। स्मॉल कार्निवर्स का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या होता है जी, ये प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं जी, किस पर डिपेंड करते हैं,
डायरेक्टली प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड है, जैसे फ्रॉग हो गया, आपका लिजर्ड वगैरह हो गया, ये डायरेक्टली छोटे छोटे हैं, इनको कहा जाता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। और डिपेंड किस पे करते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर पे ही डिपेंड करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब हर्बीवर्स पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं जी। लार्ज कार्निवर्स कौन से बड़े हो जाएंगे, इनका नाम क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर भी कहा जाता है, यानी तीसरे कंज्यूमर, इनको क्या कहा जाता है, तीसरे कंज्यूमर। यानी ये किस पर डिपेंड करते हैं, देखो खाते तो वही है, ठीक है, चीजें तो वो भी खाते हैं, ठीक है, लेकिन आप लाइन के बारे में देखो, लाइन किसको खा लेता है, गोट को खा लेता है, तो गोट क्या चीज थी थी आपकी, तो ये आपके स्मॉल कॉर्निवर्स पे डिपेंड करते हैं, विच फीड स्मॉल कॉर्निवर्स, जो छोटे कॉर्निवर्स है उन पे डिपेंड करते हैं आपके, क्या चीज जी, आपके लाइन वगैरह, लाइन हो गया, टाइगर हो गया, स्नेक, स्नेक के एग्जाम्पल से आप ईगल ले सकते हो, बाज से भी देख सकते हो, इससे आप अच्छे समझ जाओगे। ये मान के चलो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई भी लिजर्ड है, लिजर्ड एक स्मॉल है जी, इसने कोई चीज खाई, इसने क्या करी जी, कोई चीज खाई, चाहे ठीक है, चाहे आप कोई और भी मान सकते हो छोटी चीजें जिसको, ठीक है। अब लिजर्ड क्या हो गया आपका, हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि प्राइमरी तो पहले था ही कोई ना कोई, ठीक है, उसको इसने खाया लिजर्ड ने। अब लिजर्ड को मान लो खा गया ईगल, बाज खा गया जी, तो बाज क्या बन जाएगा फिर, इसका टर्शियरी कंज्यूमर बन जाएगा, ठीक है, समझ आ गया आपको बात, तो ये हो गया कंज्यूमर। तो ठीक है, तो आपने क्या करा दी, हर्बीवर्स तो हो गया आपके प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवर्स के हमने दो टाइप करे, स्मॉल कार्निवर्स और लार्ज कार्निवर्स। स्मॉल कार्निवर्स को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और इनको क्या कहा जाता है, टर्शियरी कंज्यूमर। हर्बीवर्स को क्या कहा जाता है जी, आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब बात आती है ओमनिवर्स क्या होते हैं जी, तो ओमनिवर्स क्या होते हैं, विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जो दोनों चीज खा लेते हैं जी, वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी आपके क्या कहलाते हैं जी, ओमनिवर्स कहलाते हैं। अब ये प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शियरी होते हैं, प्राइमरी तो हो ही नहीं सकते जी, प्राइमरी तो ये होते हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको बात है। ये क्या होते हैं जी, प्राइमरी भी हो सकते हैं कुछ केस के अंदर, ठीक है, मान लो खाएंगे, जैसे बिल्ली है, बिल्ली आपका क्या हो सकती है, सीधा मतलब वो खा रही हो प्लांट्स के कोई प्रोडक्ट से चीज, कोई चीज खा रही हो, ठीक है, मैन है वो डायरेक्ट खा सकता है, तो वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्शियरी भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका चीज उनके कि खा क्या रहे हो, उसी हिसाब से इनको कहेंगे, ठीक है। तो ओमनिवर्स क्या होंगे, विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जो दोनों चीजें खा लेते हैं वो क्या कहलाता है, ओमनिवर्स। एग्जाम्पल क्या है, जिसका डॉग है, क्रो है, कैट, बियर, आंट और मैन, ये भी ध्यान रखना है, आंट क्या होती है आपकी, ओमनिवर्स होती है। राइट होगा, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी आपकी प्रॉब्लम है तो साथ साथ आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो इसको, और फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जी, ठीक है, बाकी आपको कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताना जी। अब हम आगे देखेंगे जी, आपका तीसरा ऑर्गेनिज्म बच गए हैं, पहले हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर के बारे में, फिर हमने पढ़ा कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तीसरा कौन सा था आपका, डीकंपोजर के बारे में, तब हम देखेंगे जी डीकंपोजर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, जिसके बारे में नाम से पता लग रहा है, डीकंपोज करते हैं, डीकंपोज होता है किसी चीज को खत्म कर देना जब वो डेड हो जाए, ठीक है, तो ये क्या करते थे, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देते थे किसको, डेड ऑर्गेनिज्म को, जो भी डेड हो गया, चाहे वो प्रोड्यूसर हुआ हो, चाहे वो कंज्यूमर हुआ हो, कोई भी हुआ हो, चाहे प्लांट डेड हो गया हो, चाहे एनिमल डेड हो गया हो, कुछ भी हुआ, मतलब उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसके अंदर जी, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये क्या होता है, डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है इनको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जिसके अंदर बैक्टीरिया है, फंजाई आपके एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, दीज आर ऑल्सो पार्ट, इनको कहा जाता है स्पैरोट्रॉप्स, उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, और आपका ये हो गया स्पैरोट्रॉप्स, ठीक है जी। इसके बाद फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम के क्या क्या फंक्शन है, देखो इकोसिस्टम में आपने तीन चीज पढ़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये थी, प्रोड्यूसर होते हैं, एक कंज्यूमर होते हैं, और कंज्यूमर के बाद क्या होते हैं जी, डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है, तो ये चीज आप समझो कि प्रोड्यूसर क्या काम करता है, अभी आपको बताया, प्रोड्यूसर करता है जी ट्रैप द सोलर एनर्जी, यानी किसका यूज करेगा, सोलर एनर्जी का यूज करेगा, सनलाइट का यूज करेगा, एंड देन तब क्या करेगा जी, प्रोवाइड बेसिक फूड, क्या प्रोवाइड करेगा, ये खुद का फूड तो बना ही बनाएगा, और कंज्यूमर के लिए भी किसका काम करता है, ये फूड का काम करता है, तो ये क्या करेगा, सोलर एनर्जी का ट्रैप करेगा, और प्रोवाइड बेसिक फूड यूजिंग न्यूट्रिएंट्स पूल ऑफ अर्थ, न्यूट्रिएंट पूल का मतलब हो गया कि आप एक ऐसी जहां पर पूरा न्यूट्रिशन मिले अर्थ के द्वारा, अर्थ के द्वारा क्या क्या मिलता है न्यूट्रिशन के रूप में, इनको सोयल मिलती है, वाटर भी मिलता है जी, एयर मिलती है, तो इसके द्वारा क्या करते हैं, ये अपना सोलर एनर्जी का यूज करके एक बेसिक फूड प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिक फूड प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर ने फूड बनाया वो किसके पास चले गए, अब कंज्यूमर के पास, अब फूड कहाँ पहुंच गया, कंज्यूमर के पास, इसने यूज किसका किया, देखो जी इसने यूज किया न्यूट्रिएंट पूल ऑफ अर्थ का, किसका यूज किया, न्यूट्रिएंट पूल ऑफ अर्थ का। अगर आपको नोट करना होगा वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो जी पहले, ठीक है,
या बीच में भी रोक के नोट कर सकते हो, फिर आप अच्छे से समझ सकते हो। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड देन प्रोवाइड बेसिक फूड यूजिंग न्यूट्रिएंट्स पूल ऑफ अर्थ। किसका यूज करके, न्यूट्रिएंट पूल का। इसमें क्या आता है, सोइल आती है, वाटर आती है, यानी इनको इन्होंने सोइल का यूज किया, वाटर का, एयर का यूज करके फूड बना दिया, और वो फूड किसको मिल गया, कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर करते हैं ड्राइव दी एनर्जी, कंज्यूमर उसमें से एनर्जी ले लेते हैं। किससे एनर्जी लेते हैं, ये प्रोड्यूसर से एनर्जी लेते हैं, फूड लेते हैं की बात है, या तो डायरेक्टली लेंगे या फिर इनडायरेक्टली लेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिख लो यहाँ पे, और लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये आपको बताई थी पिछली साइड में, डायरेक्टली किस प्रकार होते हैं, इनडायरेक्टली किस प्रकार होते हैं। अब मान लो ये भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, कोई किसी की डेथ हो जाती है, चाहे आपकी प्रोड्यूसर की हो चाहे कंज्यूमर की हो, किसी को भी डेथ होगी तो डेड बॉडी जो होंगी इनकी, तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर, उस डेड बॉडी को खत्म करने का काम करते हैं। तो व्हेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर डाई, या तो प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर डाई हो जाता है, देन क्या होता है जी, डिकम्पोजर एक्ट एट एक्ट ऑन डेड बॉडीज। डिकम्पोजर किसके ऊपर काम करते हैं, जो डेड बॉडीज है, टू वेरियस एलिमेंट, ठीक है जी, एंड रिटर्न, ये क्या करते हैं, करते हैं डेड बॉडी पे काम करेंगे और कई वेरियस एलिमेंट बैक कर देंगे, किसको, न्यूट्रिएंट पूल को। यानी जो न्यूट्रिएंट पूल इन्होंने पहले लिए थे, सोइल का, वाटर का, इसका यूज किया था, ये वापस उसी को रिटर्न कर देंगे डीकम्पोजर। तो देखा जाए तो इससे इसको गया, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, डीकम्पोजर के पास चले जाएंगे, डीकम्पोजर वापस ये चीजें बना देगा, ये वापस फिर उसी चीज को यूज करेगा, फिर ये वापस यहाँ जाएगा, तो एक साइक्लिक प्रोसेस चलती रहेगी। यानी पहले इसके पास, फिर इसके पास, फिर ये वापस ये चीजें बढ़ेगी, फिर वापस ये चीज, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलेगी आपकी। तो इसके बाद आप नोट कर सकते हो कि इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है जी, इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है, इनपुट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इनपुट होता है, और मैटर का इनपुट होता है, ठीक है। मैटर मतलब ये सोइल वगैरह, इन चीजों से आपने देखा होगा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, इनपुट होता है, विच आर एक्सचेंज, जो किसके द्वारा एक्सचेंज कर लिए जाते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के द्वारा, और किस प्रोसेस में जी, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। तो ये था जी आपका फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, कि किस प्रकार आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर काम करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट करके आपको जरूर बताना जी कैसा लग रहा है, ठीक है। आपके कमेंट ही आपको हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे जी, ठीक है। बाकी आपकी और कुछ राय हो तो वो भी आप बता सकते हो।